गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। ये क्लास में हम बात करेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, सबसे पहले आप मैपिंग का काम करिए। कुछ मोटा मोटा ऐसा करके ऐसे निकल गया है, थोड़ा मोटा सा बनाएंगे। यहाँ पे भी मतलब इंडिया का देखिए, ये इंडिया से 9 गुना बड़ा है। कितने? 9 गुना बड़ा है। भारत देश से, अपने प्यारे भारत देश से 9 गुना बड़ा है। लेकिन यहाँ पे भुखमरी और गरीबी का कारण क्या है, कुछ उसकी प्राकृतिक स्थिति भी है, कुछ वहाँ की लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल मतलब अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति ऐसी है कि इस वजह से। और अगर आप इसका ये देखेंगे, सॉरी, तो बहुत कुछ ऐसा है इसमें जो कि फिर ये फिर भी वो उस तरह से विकसित नहीं हो पाया है। कुछ कारण है, ढेर सारे कारण है, राजनीतिक, आर्थिक और मानचित्र की वजह से, इसकी स्थिति की वजह से। फिलहाल हम बात कर रहे हैं साउथ, सॉरी, अफ्रीका कंटिनेंट की। अफ्रीका कंटिनेंट, ओके। अफ्रीका कंटिनेंट का सबसे बड़ा देश आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। उसके पहले चलिए हम बात कर लेते हैं इससे होकर गुजरने वाली 3 रेखाएं हैं, ठीक है, जो लेटी हुई रेखाएं हैं, लेटीट्यूड, जिसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। तीनों के तीनों अक्षांश इस पर लेटे हुए हैं, ओके। तो चलिए, ये हो गई इसके अक्षांशीय या लेटिट्यूडनल स्थिति। और एक रेखा ऐसी भी है जो इसके ऊपर से चली आती है, मतलब कि लॉन्गिट्यूड भी है, जो कहलाती है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच रेखा या मेडिटेरियन रेखा भी कहते हैं, ओके। तो देशांतरीय में भी 0 डिग्री और अक्षांशीय में भी 0 डिग्री है। इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला एरिया, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा आपने देखा होगा, ये जब आगे निकलता है, जब ये आगे बढ़ता है ना ये पार्ट, तो वो जाकर इंडिया को भी ऐसे, और इंडिया के ऊपर से भी निकल जाता है, जिसका मैंने मित्र पर गमछाझार बताया हुआ है। मित्र पर गमछाझार करके कि मतलब उस तरीके से हमें याद रखना है कौन कौन सी, कौन कौन से राज्य कर्क रेखा पर स्थित है। तो कर्क रेखा 23 डिग्री नॉर्थ में है, 23.5 डिग्री, सॉरी, और 23.5 डिग्री अगर हम साउथ में चले जाएँ, 23.5 डिग्री अगर हम साउथ में चले जाएँ, मतलब कि, तो इसे हम कहेंगे मकर रेखा, ओके। मकर, तो मकर भी है, कर्क रेखा भी है, और ये विषुवत रेखा भी है। विषुवत रेखा को कहीं कहीं 0 डिग्री के नाम से भी जानते हैं। इसके 3 नाम है, तीसरा नाम क्या है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इस तरीके से आप भी जुड़े रहिए, एक्टिव रहिए, एक्टिव मोड में रहिए। तो अफ्रीका कंटिनेंट का मोडा खाका हमारे दिमाग में ये होना चाहिए, ये है मेडागास्कर, ये मेडागास्कर है। जैसे आपके इंडिया के नीचे एक स्टेट से होता हुआ एक लैंड एरिया है श्रीलंका, उसी तरीके से यहाँ पे भी मेडागास्कर है। अब देख लेते हैं हम इसकी स्थिति में, ये जो मतलब कि कहने का है, इसके दोनों तरफ कौन कौन से, सॉरी 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 सॉरी, इधर में हिंद महासागर है, ठीक है, और इधर है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, और इधर है हिंद महासागर। तो इधर हिंद महासागर से गिरा, यहाँ पर आप जाएंगे तो वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर है। यहाँ पे मैंने जीव की तरह जो बनाया था, ये लगभग जीव की तरह, ये है लाल सागर। तो कुछ इस तरीके से हमें ध्यान रखना होगा, ये है अटलांटिक ओशन है, महासागर है अटलांटिक, ये हिंद महासागर, ठीक। तो अगर हम अब ये स्थिति देखते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट और ईस्ट और वेस्ट की, तो वेस्ट साइड में पूरा ये लगभग यही फैला हुआ ही है। पश्चिमी पूरब में जो आधे हैं हिंद महासागर है, और यहाँ पर थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो रेड सी मिल जाएगा, ये भूमध्य सागर ऊपर से है नॉर्थ में, ठीक है। यहाँ पर एक एरिया और एक एरिया यहाँ पर है जो इसे एशिया से जोड़ देता है, और ये वाला एरिया इसको यूरोप के एक पेनिनसुला से जोड़ देता है, प्रायद्वीप से जोड़ देता है। तो जिब्राल्टर, यहाँ पे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के नाम से वो जोड़ देता है। तो यहाँ से अफ्रीका के लोग कहते हैं ना प्रवास भी कर जाते हैं। सो कुछ बहुत से ऐसे कारण हैं जिन कारणों से अफ्रीका, ये हार्न ऑफ अफ्रीका है, ठीक। तो ये सारा आप देखेंगे जो भी मोटे तौर पर, ये सब का सब क्या है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है।
सागरों महासागरों से घिरा हुआ है, लगभग 26,000 किलोमीटर की दूरी जो है ये समुद्र तटीय या कह सकते हैं महासागर तटीय मैदान है, तटीय है, तटीय क्षेत्र है। सो कई सारे कारण हैं जिस वजह से अफ्रीका उतना तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो मैंने ये सारा वर्णन कर दिया है, अब आगे चलिए मैप के थ्रू देख लेते हैं। ये है अफ्रीका का मैप, एक मैंने मैप देखा, डाउनलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर इस मैप को हम ले लें तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप थोड़ा सा धुंधला सा है, लेकिन फिर भी देखते देखिए यहाँ पे अटलांटिक, अटलांटिक ओशन दिखा रहा ना, देन यहाँ पर आप आ जाइए, ये यूरोप का एरिया है, ठीक है। और फिर इधर आ जाइए तो ये मेडागास्कर, मैंने बताया था ये हिंद महासागर का क्षेत्र है, और ये एशिया, ठीक है। तो और मैंने ये भी बताया था कि आपका ये तीन तीनों रेखाएं जो निकल जाती हैं, ठीक है, विषुवत, विषुवत रेखा, तो कौन कौन से देश हैं ये भी देखना है, ये बताना है, कर्क रेखा और मकर रेखा। बस मोटे तौर पर अभी हमें जी के जी एस की तरह याद रखना है। तो इसके अलावा एक मैंने ये इधर से बताया था, सॉरी यहाँ ये स्थिति इसकी सही नहीं है, इसकी स्थिति यहाँ से होकर निकल जाती है, 0 डिग्री देशांतर, इसका नाम क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इस तरीके से हमें याद रखना है, ध्यान रखना है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर ये इसका नॉर्थ, सॉरी नॉर्थ ये है, साउथ है, साउथ में कौन है, नॉर्थ में कौन है, पूर्व में सबसे पूर्वी कौन है, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है, इन चीज़ों को आप एक बार माइंड मेकअप बना लीजिए। चलिए देखते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैपिंग को बनाइए और उस तरह से पढ़ने का प्रयास करिए। बाकी नेक्स्ट सेक्शन में हम और आगे की बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।